और दूसरी चीज ये है कि ज्यादा समय पढ़ने से बहुत कुछ अच्छा नहीं होता, मेरा जो मानना है। थोड़ा समय पढ़ें लेकिन कंसंट्रेट होके पढ़ें। समय चाहे जितना दें लेकिन वो पूरी तरह से कंसंट्रेट होकर दें, तो निश्चित रूप से उसका रिजल्ट आपको बेहतर मिलेगा। अब हर एक क्षेत्र में ऐसा नहीं है कि पढ़ने के नाम पर आप एकदम जो है इतना समर्पित हो गए कि ये और किसी चीज से आपका कोई मतलब नहीं रहा, बिल्कुल आपने अपने आप को किताबों में और कमरे में बंद कर रखा है। जी नहीं, आपको हर एक चीज से जुड़ कर रहना है, क्योंकि यदि आप अपनी जो डेली रूटीन या डेली चीजों से हट के भी जो चीजें हैं उनसे आप जुड़े नहीं रहेंगे तो एक समय आएगा कि आप बिल्कुल उनसे फिर जुड़ना ही नहीं चाहेंगे। इसलिए परिवार से, परिवार के सदस्यों से, परिवार की आवश्यक आवश्यकताओं से, इन सब से आपका रिलेशन होना चाहिए। और साथ ही साथ अपने बचे हुए समय को पूरी तरह, जैसे मैंने कहा कि आप यदि पढ़ने के लिए अपना 4 घंटे निकालते हैं तो वो 4 घंटे ये मान के चलिए कि उसको मतलब कंसंट्रेशन बिल्कुल पीक लेवल पर हो, ऐसा कहीं ऐसा ना हो कि जो है कहीं कमी रह जाए, इस पर आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो जितना ज्यादा आप कंसंट्रेट होंगे उतना ही अच्छा परफॉर्मेंस आप कर पाएंगे, तो इसको आप ध्यान देंगे। मुझे लगता है कि समय काफी हो गया है, और भी बात करेंगे, अभी फिर आते जाते रहेंगे, अब तो ऑनलाइन होता रहेगा। तो दीपा सोनी जी भी आई हैं, कुछ नए लोग भी जुड़े हैं, सबका वेलकम, सबका वेलकम, सबको वेलकम कर रहा हूँ। आइए, आप सभी का स्वागत है। आइए, अभी बात होगी इसके बारे में, कभी कुछ नई टॉपिक लेकर के भी आऊंगा आप सभी को बताने के लिए कि कहाँ क्या जरूरी है। अब चूंकि ये थोड़ा सा छेड़ देने के बाद तब बातें बाहर निकलना शुरू होती हैं, बहुत सारी चीजें अंदर हैं जो बताने को रहती हैं, क्योंकि मेरा मेरे जीवन का जो व्यक्तिगत उद्देश्य हो गया है वो यही है कि मैं अच्छे विद्यार्थियों को, अच्छे नागरिकों को अपने देश के लिए निकाल सकूं, और मेरी जो भी चीजें हैं वो आपके लिए काम में आए। कितना मैं दे सकता हूं और उससे आप कितना प्रेरित हो सकते हैं, यही हमारी सार्थकता होगी, और यही हमारे लिए बहुत मेरे लिए खुद के लिए ये मेरे पुरस्कार के समान होगा कि मेरे से यदि आपका कुछ अच्छा हो रहा है तो वही मेरे जीवन का एक हिस्सा होगा। इसी को मैं अपना सब कुछ मानता हूँ, और वैसे भी मैं अपनी एक कोटेशन बनाकर रखता हूँ कि आई एम नथिंग विदाउट माई डियर स्टूडेंट्स। अब तो मेरी जिंदगी ही विद्यार्थियों के बिना अधूरी हो जाती है, इसलिए विद्यार्थियों के बिना मैं खुद अधूरा हूँ। मैं अपने आप को समर्पित कर रहा हूँ आप सभी को, और आप सभी भी समर्पित होइए और कुछ अच्छा करिए। आप जैसे जैसे आगे अच्छा करेंगे वो मुझे जो है मेरे पुरस्कार के समान होगा। और वैसे भी आप जानते हैं कि तमाम विद्वानों ने लिखा भी है इस बात को कि एक शिक्षक की सबसे बड़ी खुशी तब होती है जब वह अपने विद्यार्थियों को बढ़ता हुआ देखता है। जब उसके विद्यार्थी बेहतर कर रहे होते हैं तो एक शिक्षक को बड़ी बेहतरीन आंतरिक खुशी होती है। ये एकमात्र शिक्षक को ही ऐसा होता है कि आपके वृद्धि को देखकर वो खुद प्रफुल्लित होता है। तो कहीं ना कहीं आपकी सफलता के में ही मेरी सफलता जुड़ी हुई है। आई एम नथिंग विदाउट यू, और मैं अपना बेहतर देने का प्रयास करता रहूंगा। आप सभी जुड़ते रहिए, अब समय काफी हो गया है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू, स्वीट ड्रीम्स टू ऑल ऑफ यू। ठंडी बहुत है, सतर्क रहिए, पढ़ते भी रहिए, ठंडी के बहाने आप सोने के चक्कर में मत पड़िए। कक्षा 10 वाले, ये अभी जो है फ्रेश बोर्ड एग्जामिनीज हैं, तो इन लोगों को तो विशेष सतर्क रहने की जरूरत है, और अपने को बचाते हुए आप तैयारी में लगिए। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू। मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में अगले दिन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। गुड नाइट।